नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मैंने अपनी एम और एम की पढ़ाई ग्रैंड मेडिकल कॉलेज और जे हॉस्पिटल मुंबई से पूरी की है और फिलहाल मैं वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फिजिशियन कार्यरत हूँ इस वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे तीन सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्या इतने सारे डिजीजेस के इसी चेंजेस याद रखने में आपको दिक्कत जाती है क्या आप एक डिज़ीज़ के इसी चेंजेस को दूसरे डिजीज़ के इसी चेंजेस के साथ कन्फ्यूज़ करते हैं क्या आपको ई से डायग्नोसिस बनाने में दिक्कत जाती है भले ही आपको उसी डिजीज़ के इसी चेंजेस याद हो इनमें से किसी एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर हाँ है तो यकीन मानिए प्रॉब्लम बेसिक्स ऑफ ई में है मैंने भी जब ई सीखना शुरू किया था तब वही गलती की थी जो शायद आप अभी कर रहे हो जो कि है बेसिक्स को स्किप करके सीधा एबनॉर्मल पे जम करना मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि अगर आप बेसिक्स को सही करते हैं तो आपके इन्हीं क्वेश्चन के आंसर जरूर चेंज होंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसीजी के बेसिक्स को सही करने के लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूं पार्ट वन में हम इसी लीड्स के बारे में जानेंगे जैसे कि ई लीड्स क्या होते हैं कैसे बनते हैं फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स क्या होते हैं और इन प्लेन्स में ई लीड्स कैसे अरेंज होते हैं ई लीड्स को समझने से पहले ईसीजी इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानते हैं ई इलेक्ट्रोड्स टोटल टेन होते हैं जिसमें से फोर एक्सट्रीमिटीज पे अप्लाई होते हैं और सिक्स प्रिकॉर्डेल एरिया मतलब कि एंटीरियर चेस्ट वॉल पे अप्लाई होते हैं एक्स्ट्रीमिटीज के इलेक्ट्रोड कलर कोडेड होते हैं राइट आर्म इलेक्ट्रोड रेड होता है राइट लेग इलेक्ट्रोड ब्लैक होता है लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड ग्रीन होता है और लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड येलो होता है इसे हम ओ बी जी वाई ये निमोनिक के साथ याद रख सकते हैं जिसमें ओ ऑरेंज के लिए होता है जो कि रेड से सिमिलर होता है प्रिकॉर्डियल इलेक्ट्रोड्स को V1 वन टू वी नंबर किया जाता है ईसीजी लीड में वन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है और वन और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोड निगेटिव पोल होता है यह आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि ईसीजी लीड में पॉजिटिव पोल हमेशा एक ही इलेक्ट्रोड से बनता है लेकिन निगेटिव पोल एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से बन सकता है ई लीड यूजली ट्वेल्व होते हैं जिसमें से थ्री स्टैंडर्ड लिमलिट्स होते हैं जो कि है लीड वन लीड टू और लीड थ्री थ्री लीड्स ऑगमेंटेड लिम लीड्स होते हैं जो कि होते हैं लीड ए वी आर लीड ए वीएल और लीड ए वी एफ सिक्स लीड्स प्रिकॉर्डियल लीड्स होते हैं जिन्हें वी वन टू वी सिक्स नंबर किया जाता है स्टैंडर्ड और ऑगमेंटेड लिम लीड्स को फ्रंटल प्लेन लीड्स भी बोला जाता है और प्रिकॉर्डियल और चेस्ट लीड्स को हॉरिजेंटल प्लेन लीड्स भी बोला जाता है इसी चीज लीट्स को फ्रंटल और हॉरिजेंटल प्लेन लीड्स क्यों बोला जाता है यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा स्टैंडर्ड लिम लीड सबसे सिंपल होते हैं जिनमें वन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है और वन इलेक्ट्रोड निगेटिव पोल होता है लीड वन में लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है और राइट आर्म इलेक्ट्रोड निगेटिव पोल होता है लीड टू में लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है और राइट आर्म इलेक्ट्रोड निगेटिव पोल होता है लीड थ्री में लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है और लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड निगेटिव पोल होता है आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि राइट लेग इलेक्ट्रोड कहाँ है सो राइट लेग इलेक्ट्रोड ये डमी इलेक्ट्रोड होता है लीड एक्सिस को समझते हैं लीड एक्सिस ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो निगेटिव पोल को पॉजिटिव पोल से जोड़ती है लीड वन का एक्सिस ये लाइन ज्वाइनिंग राइट आर्म इलेक्ट्रोड टू लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड होता है जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड होता है और लेफ्ट को डायरेक्टेड होता है लीड टू का एक्सिस ये लाइन ज्वाइनिंग राइट आर्म इलेक्ट्रोड टू लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड होता है जो डाउनवर्ड और ऑब्लिकली लेफ्ट को डायरेक्टेड होता है लीड थ्री का एक्सिस लाइन जॉइनिंग लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड टू लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड होता है जो डाउनवर्ड एंड ऑब्लिकली टू राइट डायरेक्टेड होता है ऑगमेंटेड लिम लीड्स में राइट आर्म लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है और बचे हुए दो इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन निगेटिव पोल होता है लीड एवीआर में राइट आर्म इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है लीड में लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है और लीड एवीएफ में लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है जैसा कि आप देख रहे हैं ऑगमेंटेड लिम लीड्स के नाम के लास्ट लेटर उस लीड में कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल है इसका क्ल्यू देता है चलिए अभी ऑगमेंटेड लिम लीड्स के एक्सेस को डिटरमाइन करते हैं बट यहां एक यूनिक प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल है लेकिन दो इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन निगेटिव पोल है सो हमारे सामने सवाल यह है कि किस इलेक्ट्रोड से एक्सिस ड्रॉ किया जाए और अगर दोनों इलेक्ट्रोड से नहीं तो किस पॉइंट से एक्सिस ड्रॉ किया जाए इस प्रॉब्लम को एंथोवेंस ट्राइंगल के कंसेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है हार्ट को सेंटर पर रख के अगर लीड वन लीड टू और लीड थ्री के एक्सेस इन्वर्टेड इक्वलैटरल ट्राइंगल के शेप में अरेंज किए जाए तो इसे एंथोवेंस ट्राइंगल बोला जाता है इस ट्रायंगल का ईच एंगल राइट आर्म लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है चलिए अभी देखते हैं कि एंथोवेन ट्रायंगल की हेल्प से ऑगमेंटेड लिम्लिट के एक्सेस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं लीड एवीआर में राइट आर्म इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन नेगेटिव पोल होता है इसीलिए एंथोवेन ट्रायंगल पे लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट एवीआर लीड का निगेटिव पोल होता है इस पॉइंट से राइट आर्म इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली लाइन लीड एवीआर का एक्सिस होता है जो कि राइट right और स्लाइटली अपवर्ड मतलब लगभग राइट शोल्डर की तरफ डायरेक्टेड होता है लीड एवीएल में लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है और राइट right आर्म और लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट निगेटिव पोल होता है सो so, इस पॉइंट से लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाली लाइन लीड ए का एक्सिस होता है जो कि लेफ्ट और स्लाइटली अपवर्ड लगभग लेफ्ट शोल्डर की तरफ डायरेक्टेड होता है लीड एवीएफ में लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है और राइट right आर्म और लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट निगेटिव पोल होता है सो so, इस पॉइंट से लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाली लाइन लीड एवीएफ का एक्सिस होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है हार्ट के अराउंड वर्टिकल प्लेन में एक सर्कल इमेजिन करते हैं अगर स्टैंडर्ड लीड्स और ऑगमेंटेड लीड्स के एक्सेस हार्ट के सेंटर से पास होते हुए इस सर्कल में अरेंज करें तो आपको दिखाई देगा कि लीड वन का एक्सेस हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है सो लीड वन एक्सेस के पोजीशन को जीरो डिग्रीज कंसिडर करते हुए इस सर्कल को इक्वल थर्टी डिग्री सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है लीड वन एक्सिस के नीचे के हाफ में इन सेक्टर्स को पॉजिटिवली नंबर किया जाता है जैसे कि थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री 90 डिग्री वन ट्वेंटी डिग्री वन फिफ्टी डिग्री और वन एटी डिग्री लीड वन एक्सिस के ऊपर के हाफ में इन सेक्टर्स को निगेटिवली नंबर किया जाता है जैसे कि माइनस थर्टी डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्री माइनस नाइन्टी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी डिग्री और माइनस वन फिफ्टी डिग्री जैसा कि आप देख रहे हैं लीड टू एक्सिस 60 डिग्रीज की तरफ लीड एवी ऑफ एक्सिस 90 डिग्रीज की तरफ लीड थ्री एक्सिस 120 ट्वेंटी डिग्रीज की तरफ लीड एवीएल एक्सिस माइनस थर्टी डिग्रीज की तरफ और लीड एवीआर एक्सिस माइनस वन डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड होता है ये फ्रंटल प्लेन का कंप्लीट पिक्चर है रिकॉर्डियल और चेस्ट लेट्स के लिए सिक्स इलेक्ट्रोड्स एंटीरियर चेस्ट वॉल पे अरेंज किए जाते हैं जिनको V1 वन टू वी नंबर किया जाता है चलिए देखते हैं कि इन इलेक्ट्रोड्स को कैसे प्लेस किया जाता है V1 वन इलेक्ट्रोड राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट लैटरल टू स्टर्नम प्लेस किया जाता है V2 टू इलेक्ट्रोड लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट लैटरल टू स्टर्नम प्लेस किया जाता है नेक्स्ट V4 फोर इलेक्ट्रोड

इस सर्कल में प्रिकॉर्टिंग लीड्स के एक्सिस अरेंज करें तो V1 एक्सिस राइट की तरफ V2 V3 और V4 एक्सिस एंटीरियर हार्ट वॉल की तरफ और V5 और V6 सिक्स लैटरल हार्ट सरफेस की तरफ डायरेक्टेड होते हैं यह हॉरिजोंटल प्लेन का पिक्चर है हॉरिजोंटल और फ्रंटल प्लेन के आपस के पोजीशन को कॉर्नर में रोटेटिंग थ्री इमेज की हेल्प से समझते हैं अगर हार्ट को एक्स वाई और जेड एक्सिस के इंटरसेक्शन पे पोजीशन करते हैं तो फ्रंटल प्लेन जेड और वाई एक्सिस से बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स और वाई एक्सिस से बनेगा और प्रिकॉर्डियल लीड्स के एक्सिस कुछ ऐसे अरेंज होंगे ये इमेज ऑल ट्वेल्व ईसीजी लीड्स को हार्ट के अराउंड वर्चुअल थ्री स्पेस में दिखा रही है हमारा अभी तक का सारा डिस्कशन इसी इमेज को क्रिएट करने के लिए था बट हमें ये इमेज इसी जी समझने में कैसे हेल्प करेगी तो इसके लिए आप हर लीड को एक कैमरा समझ सकते हैं जो अपने लीड एक्सिस के एंगल से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही है जैसा कि आप देख रहे हैं लीड वन एवीएल वी फाइव और वी सिक्स हार्ट के लेटरली प्लेस्ड होते हैं लीड वी टू वी थ्री और वी फोर हार्ट के एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं और लीड टू थ्री और ए इन्फीरियरली प्लेस्ड होते हैं लेटरल वॉल की एबनॉर्मेलिटीज के फीचर लीड वन ए वी एल फाइव वी सिक्स में दिखाई देंगे एंटीरियर हार्ट वॉल के एबनॉर्मेलिटीज के फीचर लीड वी टू वी थ्री और वी फोर में दिखाई देंगे और इन्फीरियर वॉल के एबनॉर्मेलिटीज के फीचर लीड टू थ्री और ए में दिखाई देंगे इसी जी रिकॉर्डिंग के प्रिंसिपल और इस इमेज से नॉर्मल और एबनॉर्मल इसीजी फीचर समझने में काफी हेल्प होती है अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि सिर्फ एक ही लीड में राइट आर्म इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल होता है वो कौन सी लीड है अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आंसर नहीं पता तो आपने वीडियो फिर से देखना चाहिए मेरा दूसरा क्वेश्चन प्रिकॉर्डी लीड्स के बारे में है लीड्स के लिए जो चेस्ट वॉल पे इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं वो पॉजिटिव पोल होते हैं फिर इन लीड्स का निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर नहीं पता तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के वेक्टर के कंसेप्ट को जानेंगे

चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग